इस सेशन में हम लोग अथर्व वेद के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके पहले हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद पर विस्तृत और इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट पर डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग अथर्व वेद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अथर्व वेद। तो यह अथर्व वेद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वह है, यह अथर्व वेद एकदम अंतिम अथवा चौथा वेद है। ओके, या आप यह भी कह सकते हैं कि अथर्व वेद की रचना या कंपाइल सबसे लास्ट में किया गया। दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि अथर्व वेद की रचना सबसे बाद में की गई, इसलिए यह वेद सबसे नवीन है। ओके, इसलिए आप इसे सबसे नवीन वेद के रूप में भी जानते हैं या जानते रहिएगा। कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि चार वेदों में यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में सबसे नवीन वेद कौन है, तो सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। इसलिए है कि अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में यानी लास्ट में की गई। ओके, हालांकि यह एपिक है, महाकाव्य है यानी धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए इसके लिए कंपाइल शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी सबसे बाद में इसे संकलित किया गया। लेकिन आम भाषा में, जनरल शब्दों में हम लोग रचना ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में की गई अथवा इसका संकलन अथवा कंपाइल सबसे बाद में हुआ। ओके, तो अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, इसमें कुल 20 अध्याय है, 20 चैप्टर है। ओके, तो अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय है, इसमें सूक्तों की संख्या 731 है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें मंत्रों की संख्या 5987 है, यानी 5987। ओके, 5987 इसमें मंत्र हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्रह्म वेद क्यों कहा गया है, ब्रह्म वेद के नाम से क्यों जाना जाता है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है कि इसमें 967 यानी 967 मंत्रों की रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे ब्रह्म वेद कहा जाता है। यानी अथर्ववेद में 967 मंत्रों की रचना कह लीजिए ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा के द्वारा किया गया, इसलिए इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब इस बात पर हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोग जो अथर्ववेद से संबंधित जो फैक्ट्स है आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों को अब इस पर नहीं जाना है कि क्या भगवान ब्रह्मा अथर्ववेद पे इतने मंत्रों की रचना किए हैं, तो इस पर हम लोग तर्क वितर्क में नहीं जाना है। जो फैक्ट्स हमें, क्यों, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ माने जाते हैं या किसी भी धर्म के ग्रंथों, वह गॉड गिफ्टेड माने जाते हैं, कि वह ईश्वरीय प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा या ईश्वरीय वचन उसमें लिपिबद्ध है। इसलिए ब्रह्मा ने इस अथर्ववेद के 967 मंत्रों की रचना ब्रह्मा के द्वारा किया गया, इसलिए इसे यानी अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो अथर्ववेद का दूसरा नाम ब्रह्म वेद भी है। अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। पतंजलि ने अथर्ववेद के कुल 9 शाखाओं का उल्लेख किया है, 9 ब्रांच बताया है पतंजलि ने। ओके, अथर्ववेद की कुल 9 शाखाओं का उल्लेख किया है, लेकिन हम लोगों को जो अवेलेबल है वह मात्र 2 ब्रांच ही, इसकी 2 शाखाएं ही अवेलेबल है अथवा उपलब्ध है। ओके, पतंजलि ने अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है, लेकिन उपलब्ध शाखा मात्र 2 है, ओनली 2 ब्रांचेज अवेलेबल है। नंबर 1 है शौनक, नंबर 2 है पैपलाद। ओके, इंपॉर्टेंट है शौनक, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो पहला जो है शौनक है और दूसरा पैपलाद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 शाखा यही अवेलेबल है या उपलब्ध है। ओके, या मिलती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। इसके जो, जैसे सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है, उसी तरह अथर्ववेद के भी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है।
तो ब्राह्मण इसके गोपद ब्राह्मण है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका गोपद ब्राह्मण है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। और इसके आरण्यक जो है कोई नहीं है, ध्यान रखना इसके आरण्यक कोई नहीं है, एकदम क्लियर। कभी भी एग्जाम में आए अथर्ववेद के आरण्यक, तो आपको क्या करना है, उपरोक्त में से कोई नहीं जो ऑप्शन होगा उसी को ट्रिक कर देना है। ओके, अगला जो है उपनिषद पर आते हैं हम लोग। तो अथर्ववेद के जो उपनिषद है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न मुंडक मांडुक्य आदि या इत्यादि और है, लेकिन प्रश्न मुंडक मांडुक्य ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, क्योंकि मुंडकोपनिषद में या अथर्ववेद का है हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे, जिसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। ओके, तो सत्यमेव जयते का उल्लेख आप यह कह लीजिए, कभी वेद पूछ दे तो अथर्ववेद रहेगा, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद में इस बात का उल्लेख किया गया है। ओके, अब आते हैं हम लोग उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जहां से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और अथर्ववेद फेमस है इस रूप में। ओके, तो अथर्ववेद में यह देख लिया जाए, राजनीति के बारे में उल्लेख किया गया है, समाज के बारे में यानी सोसाइटी के बारे में उल्लेख किया गया है, धर्म के बारे में उल्लेख किया गया है, अर्थव्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है, और कुछ राज्यों का उल्लेख किया गया है। ओके, जो 16 महाजनपद में थे, जैसे काशी, कौशल, मगध, इन सबों का जो आपसे एग्जाम में पूछ देता है। ओके, तो इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों का भी डिस्कस किया गया है, जो हम लोग वैदिक काल में देख लिए हैं, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे जो मुख्य मुख्य हैं पॉइंट। तो अथर्ववेद में जो आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से है, इसमें आयुर्वेद का भी उल्लेख मिलता है। ओके, आयुर्वेद के बारे में भी जानकारी मिलती है। आयुर्वेद से तात्पर्य है डिफरेंट डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में और उनके इलाज से संबंधित उपाय बताए गए हैं, या फिर आप कह लीजिए जड़ी बूटियों का उल्लेख किया गया है। तो विभिन्न प्रकार के बीमारियों का उल्लेख है और उन बीमारियों के इलाज के लिए, ठीक होने के लिए जड़ी बूटियों का उल्लेख किया गया है। ओके, तो आयुर्वेद का उल्लेख है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण के बारे में उल्लेख मिलता है, यानी मैजिक के बारे में, यानी फर्स्ट टाइम मैजिक के बारे में जो उल्लेख मिलता है वह है अथर्ववेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अथर्ववेद में जादू टोने के बारे में यानी फर्स्ट टाइम मैजिक के बारे में इंट्रोड्यूस हम लोग होते हैं या मैजिक के बारे में उल्लेख मिलता है। तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण यानी विविच, वशीकरण का मतलब अपने वश में करना। तो इसी अथर्ववेद में जो क्रियाकलाप बताया गया है जादू टोना और वशीकरण का, वही क्रियाकलाप उसी नियम या उसी मंत्रों के द्वारा, आप ऐसे कर लीजिए, नियम न कहिए आप, मंत्र कर लीजिए, उन्हीं मंत्रों के द्वारा आज वर्तमान समय में भी या 21 सेंचुरी में भी भारतीय समाज में क्या है, जादू टोने का प्रचलन है। हालांकि जादू टोना भारतीय समाज में ही नहीं है, वैश्विक रूप में है, देखने को मिलता है, लेकिन हमारे जो भारतीय समाज की अगर हम लोग तो चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में कहाँ मंत्र दिए गए हैं, अथर्ववेद में दिए गए। ओके, इंपॉर्टेंट है। और आप न्यूज पेपरों में यानी समाचार पत्रों में देखेंगे कांटेक्ट नंबर दिया रहता है, और बाबा जी से मिले, फलाने बाबा जी से मिले, और 24 घंटे में आप जो है अपने किसी को भस्म करना है वो काम हो जाएगा, प्रेमी पाए, प्रेमिका पाए, या फिर अन्य जो आपकी जो जो भी इच्छा हो सब उन बाबा के द्वारा दे दिया जाता है, मिलवा दिया जाता है। तो बाबा ये सब करने के लिए मंत्र कहाँ पाते हैं, अथर्ववेद में दिया गया है। ओके, तो इन सभी वशीकरण, अपने में बस में करना, जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि सभी का उल्लेख फर्स्ट टाइम अथर्ववेद में मिलता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट या पॉइंट्स है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, इसके बाद समाज के बारे में भी उल्लेख इसमें किया गया है, और समाज के बारे में स्त्रियों को उसमें सेकेंडरी बताया गया है, पुत्री के जन्म को दुख का कारण भी इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है या बताया गया है। ओके, इसके बाद सभा समिति के बारे में उल्लेख किया गया है, सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है, यानी जो पॉलिटिकल संस्थाएं थी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग राजनीति में जरूर देखिएगा, पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीतिक व्यवस्था में, वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे कि राजा की सहायता के लिए दो राजनीतिक संस्थाएं हैं,
यानी इंस्टीट्यूट है यानी संस्था है, सभा और समिति। सभा और समिति दोनों बहुत ही उत्तर वैदिक काल में शक्तिशाली हो गई थी। इसलिए शक्तिशाली हो गई थी क्योंकि राजा का पद वंशानुगत हो गया था, हेरिडिटरी हो गया था, ओके। इसलिए सभा और समिति शक्तिशाली हो गई थी और उसके महत्व को अथर्ववेद में बताया गया कि वह उसका महत्व इम्पोर्टेंसी इतनी बढ़ गई थी कि वह प्रजापति यानी भगवान शिव कि वह उसे दो पुत्रियां बताया गया है। तो सभा समिति की इम्पोर्टेंसी भी इसी अथर्ववेद में बताया गया है, ओके। तो यह सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कृषि से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित, सिंचाई के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में ही उल्लेख मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में सिंचाई के साधनों में कुआं और नहर कैनाल का भी उल्लेख मिलता है। तो लेकिन सब कुछ ठीक है, आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अवश्य जानते रहिएगा कि इसमें आयुर्वेद का उल्लेख किया गया है, आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है और तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है, ओके। और इसका एक ब्राह्मण गोपत है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके 967 मंत्रों की जो रचना की गई है वह भगवान ब्रह्मा के द्वारा। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप लोग इसको नोट अवश्य कर लीजिएगा, ओके। ये तो रहा वेदों के बारे में हम लोग डिस्कस किए, ओके। अब हम लोग एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इन चारों वेदों को जो ऋषि कहते थे या इनका वाचन करते थे, ओके, यानी इन वेदों को पढ़ते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था, यानी इन चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को का गायन करने वाले या पढ़ने वाले, ओके, या उच्चारण करने वाले ऋषियों को किस नाम से जाना जाता था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऋग्वेद। ऋग्वेद को जो कहते थे ऋषि या पुरोहित, उन्हें होत्री नाम से जाना जाता था या उन्हें होत्री कहा जाता था, पुकारा जाता था, यानी ऋग्वेद का वाचन करने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद यजुर्वेद को पढ़ने वाले या कहने वाले जो ऋषि या पुरोहित होते थे, उन्हें अर्धवर्यु कहा जाता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है सामवेद। सामवेद को, यानी तीसरा जो वेद है, सामवेद को जो पढ़ते थे या जो पुरोहित इसका वाचन करते थे, उन्हें उद्गाता कहा जाता था। सबसे अधिक ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। इसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद का वाचन करने वाले जो ऋषि अथवा पुरोहित होते थे, उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा। कभी मैच करने में भी पूछ देता है कौन किससे रिलेट है, ओके, और नहीं तो सिंगल क्वेश्चंस के रूप में भी आपसे पूछ देता है। सभी परीक्षा या एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट है, ओके।